अब घर बैठे बैठे गेम्स खेलने के अलावा और करना ही क्या है। और आजकल ऐसा टाइम आ गया है कि जो गेम्स हम लोग एक साल में कंप्लीट नहीं करते थे वो लोग हम एक महीना में कंप्लीट कर दे रहे हैं। पर फिर भी अप्रैल में बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम्स आ रहे हैं, तो मैं सोचा कि क्यों ना इस मंथ के बेस्ट गेम्स के बारे में बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटली रिलायबल डिलीवरी सर्विस के। ये गेम एक 4-player co-op है जिसमें आप लोगों को कुछ कुछ सामान डिलीवर करना होगा अलग अलग लोकेशंस में। ये गेम बहुत फनी लगेगा अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलोगे, और इस गेम में डिलीवरी करने के तरीके ऐसे ऐसे हैं कि सच में यार मजा आ जाएगा। इस गेम में आप प्लेन, हेलीकॉप्टर या कार भी चला सकते हो, और टू बी ऑनेस्ट वो इतना आसान नहीं है कंट्रोल करना। सही बोले तो ये गेम फ्रेंड्स के साथ ही खेलना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी करने के चक्कर में न जाने क्या क्या हो जाए। अब दूसरा गेम है मूविंग आउट, जो कि ओवरकुक से बहुत सिमिलर है, जहां बेसिकली आप मूवर्स और पैकर्स के लिए काम कर रहे हो और घर के हर एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है। अब ये गेम एक कोऑप गेम है जहां दो लोग इस काम को कंप्लीट करेंगे अंडर ए टाइम लिमिट, और ये बहुत ही फन होने वाला है। छोटे छोटे सामान तो एक इंसान आराम से मूव कर लेगा, पर बड़े सामान जैसे सोफा या बेड वो सब मूव करने के लिए दोनों का हेल्प चाहिए ताकि जल्दी से मूव हो पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे जाके टाइम लिमिट और भी बहुत कम होने वाला है। ऐसे गेम्स में खेलने में बड़ा मजा आता है क्योंकि इसके कंट्रोल्स इतने अजीब होते हैं कि कोई फ्रस्ट्रेट भी हो जाए। ये गेम आ रहा है 28 अप्रैल को, तो मैं इसको जरूर ट्राई करूंगा। अगला गेम है Fallout 76 Wastelanders। आई नो कि Fallout 76 एक नया गेम नहीं है, पर ये जो Wastelanders अपडेट है ये इस गेम का सबसे बड़ा अपडेट होने वाला है, क्योंकि इस गेम में पहली बार ये लोग NPC ऐड करने वाले हैं। इससे पहले गेम्स में NPC थे ही नहीं, तो गेम में उतना मजा नहीं आता था, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये गेम पसंद भी नहीं आया। बट अब जाके वो लोग NPC ऐड करेंगे, तो इसका मतलब मिशंस या स्टोरी जो भी है वो सब NPCs के बारे में होगा, तो अलग अलग कैरेक्टर्स की अलग अलग स्टोरी, और मे बी उन लोग के साथ आप लोग कोई मिशन पे भी जाओगे। वेल आई होप कि ये गेम का जो अपडेट आ रहा है वो अच्छा हो, क्योंकि इससे पहले जो भी आया था वो काफी अच्छा नहीं था और बहुत लोगों ने तो इस पे गिव अप भी कर चुका है। क्या पता ये भी हो सकता है कि ये अपडेट इस गेम का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर अपडेट हो। अब एक और गेम की तरफ चलते हैं जिसका नाम है Gears Tactics। अब ये गेम Gears के तरह थर्ड पर्सन शूटर नहीं है, क्योंकि ये एक टॉप डाउन टैक्टिकल शूटर है जो कि Gears 1 से 12 साल पहले सेट हुआ था। ये गेम XCOM से बहुत सिमिलर है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारा कंपैरिजन होने वाला है। ऑफ कोर्स इसमें टैक्टिकली चूज करना होगा कि आपका अगला मूव क्या है, कि आप नेक्स्ट कवर में जाओगे ताकि आपको और फायरिंग मिले क्लोज रेंज में, या फिर आप पीछे रह के ग्रेनेड फेंकोगे ताकि वो लोग को डैमेज भी मिले और वो लोग रिट्रीट भी करें। ये चीज कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, और ये गेम ना गियर्स के इंजन पे ही चल रहा है, इसलिए ग्राफिक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। अब हो सकता है कि इस गेम में और भी मजा आए, क्योंकि गियर्स वाले वेपन होने वाले हैं और हाँ बॉस फाइट्स भी होंगे, तो शायद गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो गेम है Someday You'll Return, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है जहां आप एक ऐसे जगह वापस जा रहे हो जहां आपको वापस जाने का मन ही नहीं था, आपने इवन प्रॉमिस किया था कि आप वापस जाओगे नहीं, पर फिर भी वापस जा रहे हो। अब स्टोरी के अनुसार आपकी बेटी भाग गई है और फिर से शायद उसी जगह है जहां आपको जाने का बिल्कुल मन नहीं था, और इस गेम में आगे चल के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी आएंगे जो कि बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब ये कैरेक्टर्स कैसे बता रहे हैं वो तो पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि ये गेम में हॉरर एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो ये गेम हॉरर एडवेंचर टाइप गेम है जिसमें स्टोरी बहुत ज्यादा रहेंगे पर कुछ कुछ हॉरर एलिमेंट्स रहेंगे ताकि आप इंगेज रहें। अब फॉर श्योर इस गेम का स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक बेटी अपने पापा के साथ क्यों नहीं रहना चाहती है, उन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ये सब जानने में बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट गेम है प्रेडेटर हंटिंग ग्राउंड, जो कि 1v4 मल्टीप्लेयर शूटर गेम है जहां एक प्रेडेटर 4 लोग को हंट करेगा। ये गेम का डेमो भी आया था और बहुत लोगों ने काफी एंजॉय किया इस गेम को। अब जैसे ही आप ये गेम खेलोगे तो डेड बाय डेलाइट का याद आएगा, बट डेड बाय डेलाइट का जो गेम है उसमें जो सर्वाइवर्स हैं वो लोग बेसिकली सर्वाइव कर रहे हैं, पर इधर जो 4 लोग हैं वो लोग एक मिशन कंप्लीट करने हैं जहां पे आपको AI टीम भी अटैक करेगा, और उसी जगह एक प्रेडेटर भी आपको हंट कर रहा होगा, और प्रेडेटर के पास बहुत सारे यूनिक एबिलिटीज हैं जिसको यूज करके आप हंट कर सकते हो। तो ये एक बहुत फन शूटिंग एक्सपीरियंस होगा जो कि डेड बाय डेलाइट या फ्राइडे द 13th की तरह सिमिलर है, पर काफी डिफरेंट भी है, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज भी करते हो अपार्ट फ्रॉम गेटिंग हंटेड बाय द प्रेडेटर। अब जो गेम है वो है फाइनल फैंटेसी 7 रीमेक। फर्स्ट टाइम फाइनल फैंटेसी 7 जब आया था वो 1997 में आया था, और वो भी प्लेस्टेशन में, और उस समय का सबसे बेस्ट गेम था और बहुत लोग उस गेम को पसंद करते थे, और अब जाके इस गेम का रीमेक बन गया है, और उसके बाद गेम एकदम अलग ही दिखता है। जैसे Resident Evil 2 का रीमेक एकदम डिफरेंट दिखता है, वैसे ही फाइनल फैंटेसी 7 का रीमेक एकदम कम्प्लीटली न्यू दिखता है। इस गेम का मेन कैरेक्टर है क्लाउड, जो कि एक एको टेररिस्ट ग्रुप में है, और ये लोग फाइट करने वाले एक कॉरपोरेशन से जो कि प्लैनेट का लाइफ एनर्जी ड्रेन कर रहा है। अब ये गेम का फाइटिंग स्टाइल भी चेंज हुआ है और गेम प्ले काफी मॉडर्नाइज है, और गेम का स्टोरी इतना पॉपुलर है कि लोग फाइनल फैंटेसी 7 को अभी भी फिर से खेलना चाहते हैं। अब फाइनल गेम की तरफ चलते हैं जो कि Resident Evil 3। आई नो ये गेम ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, पर ये गेम मेरे लिए मोस्ट अवेटेड था। Resident Evil 2 के रिमेक के बाद मेरा मन था कि Resident Evil 3 का भी रिमेक हो जाए, और वो अब हो भी गया है।
ये गेम Resident Evil 2 से पैरेलली एक तरह से चलता है और बाद में आगे जाके Resident Evil 2 के इवेंट्स के आसपास आ जाता है। इस गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट है जिल, जो कि एक स्पेशल टैक्टिक एंड रेस्क्यू फोर्स की तरफ से है, और नेमेसिस करके एक बड़ा सा मॉन्स्टर है जो कि जिल के पीछे पड़ा हुआ है। वैसे जिल यहाँ तो काफी प्यारी लग रही है, पर वो फोकस नहीं है क्योंकि मेन फोकस है नेमेसिस। भाई साहब, नेमेसिस तो एक अलग ही प्राणी है। आई मीन मिस्टर एक्स तो इसके सामने कुछ भी नहीं, ये तो स्पाइडरमैन की तरह इधर उधर होता है। इस गेम का डेमो भी आया है जो कि आप ट्राई कर सकते हो ये देखने के लिए कि गेम कैसा लगता है, और सही बोले तो गेम काफी मस्त दिख रहा है और स्कैरी भी, क्योंकि नेमेसिस यार कहीं से भी आ जाता है। इस गेम में शूटिंग और पजल भी मिक्स है जो कि Resident Evil हमेशा से अच्छा करता है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। आप लोग भी बताओ यार क्या क्या गेम्स खेलते हो, क्योंकि क्या पता लॉकडाउन रहे या ना रहे आगे जाके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी करना अगर नहीं किए हो तो। और अगर और भी बहुत सारे गेम्स के बारे में डिस्कस करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो गेमर कनेक्ट कम्युनिटी फेसबुक में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गेम्स के बारे में हमेशा से डिस्कस करते हैं और उन लोगों के साथ आप खेल भी सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अब तक के लिए इतना ही, और मैं आपको देखूंगा अगले वीडियो में।